जोरी दो बुहा था। मेरा प्रणाम स्वीकार करें सर्वप्रथम। प्रसन्न रहो बेटा, आओ बेटा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा मैया, मैं भी आपको कुछ बतला रहा हूँ। हे माँ, मुझे पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है। मुझे आज्ञा प्रदान करें जिससे मैं सुखपूर्वक यात्रा मंगलमय हो मेरी। हे मैया, हे माँ, तू कितनी अच्छी है। हे माँ, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
हे माँ मुझे आज्ञा प्रदान करें जिससे मेरी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है जाओ बेटा। देखिए जिस समय भगवान श्री राम माँ कौशल्या जी के पास में पहुंचे तो ये समाचार सीता जी ने सुना कि मेरे प्रभु श्री राम वन की ओर जा रहे हैं, तो माता जानकी दौड़ करके अपनी सास माँ कौशल्या जी के पास में पहुंच गई और अपनी सास से ये निवेदन किया। समाचार तही समय सुनी सीए उठी अकुलाई, जाई सास पद कमल सिर बंदी बैठ सिरनाई। कहो बेटी। हे माँ मैंने सुना है मेरे स्वामी वन की ओर जा रहे हैं, तो अब मैं लज्जा को त्याग कर कह रही हूँ हे माँ, और आप कह रही हैं तो मैं लज्जा को कैसे त्यागूं, क्योंकि लज्जा ही एक नारी का गहना हुआ करता है। यदि किसी नारी के पास लज्जा नहीं तो वह नारी कहलाने के योग्य नहीं होती है हे माँ। लज्जा को कैसे दूर करूं, यही तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। पर माता आज्ञा मझली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुने के, पहला तो राजे भरत का है, दूसरा वन गबन का उनके। पहला तो राजे जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के इस जीवन का फैसला कराने आई हूँ। समय धर्म क्या है मेरा, इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। मैं बन जाऊं या रहूं हे माँ, आप भी मुझको मेरे स्वामी के साथ में वन जाने की आज्ञा दें। भला एक माँ कैसे कह सकती है। बेटा राम तुम ही समझाओ। और यही होना भी चाहिए। देखिए सबसे पहले सीता जी के संस्कार देखिए, जो ही सुना कि राम जी वन जा रहे हैं तो पहले अपनी सास से कहा। जब माँ कौशल्या जी ने रोकने का प्रयास किया तो नहीं मानी, अब स्वयं श्री राम समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
हे जानकी, तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि तुम अयोध्या में रहो और माता पिता की सेवा करो, जिससे तुम्हारे जीवन का धन्य होगा और तुम धन्य होगी, यही कर्तव्य कहलाता है। हे स्वामी, एक पत्नी का परम कर्तव्य होता है अपने स्वामी की सेवा करे, और आप कह रहे हैं कि तुम अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगी हे स्वामी। सही है, अखाड़े वालों को जगा लो जब तक पंडित जी, ये बात। हे सीता, सिया भो हमारी सिया, सिया भो हमारी सिया, कहीं मानो न पन को चलो तुम सिया, कहीं मानो क्या कह रहे हैं हे स्वामी कि मैं वन में ना जाऊं, इन अयोध्या के राज महलों में रहूं? नहीं नहीं स्वामी, जी बिन देह नदी बिन बारी तैसे ही नाथ, पुरुष बिन नारी जिस प्रकार से इस शरीर से ये जीव आत्मा अलग हो जाती है तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, उसी प्रकार एक स्त्री बिना पुरुष के भी शोभायमान नहीं होती। हे स्वामी, अब लाज छोड़कर कह रही हूं हे दीनानाथ। अब लाज छोड़ कर कहती हूं, चरणों के संगे चलूंगी मैं, यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं, यदि आप भभूत और आपको देखकर ही तो मेरे भाग का उदय होता है। ही मेरे भगवान, तुम्हें देखूं मेरे राघो, तुम्हें देखूं मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे,
भागी जागे हमारे तीन जागे हमारे भाग जागे हमारे पुण्य जागे। अयोध्या में नहीं रह सकती है स्वामी, मेरे प्रभु वारी सुन लो, बने में मुझको ले लो, यू मुझे छोड़ जाना मुनासिब नहीं, मुझे
भगवान को नहीं ले जा रहे हे भगवान, तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, क्योंकि अब ये भी त्याग कर रहा है। और लीजिए, लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा है, लेकिन जो हमारे कैसेट प्रेमी हैं ये सुंदर प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। एक बार उच्च